हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने घोस्ट आयर पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आपको वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम घोस्ट आयर की सारी पावर एंड एबिलिटीज को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। घोस्ट आयर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। घोस्ट आयर अपनी चेन से कार, हेलीकॉप्टर्स और ट्रक जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग कर सकता है। घोस्ट आयर कैपेबल है 25 टन्स के ऑब्जेक्ट्स को मैश करने में। नंबर टू, ड्यूरेबल स्केलेटन बॉडी। जॉनी ब्लेड जब घोस्ट आयर में ट्रांसफॉर्म होता है तो सिर्फ उसकी बॉडी स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म होती है और उसकी लेदर जैकेट और कपड़े नहीं बदलते। उसके लिए स्केलेटन बॉडी उसे कैपेबल बनाती हैवी अटैक्स को सर्वाइव करने में। उस पर फायर अटैक्स जैसे गन्स, बॉम्ब्स और रॉकेट लॉन्चर का कोई असर नहीं होता। नंबर थ्री, स्पीड। घोस्ट आयर एक स्पिरिट है तो उसके पास है स्पीड में मूव करने की पावर्स। वो बहुत फास्ट मूव कर सकता है। नंबर फोर, टेलीपोर्टेशन। घोस्ट आयर अपनी चेन से एक पोर्टल क्रिएट कर सकता है और अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है। नंबर फाइव, हेल फायर। घोस्ट आयर के पास है हेल फायर। हेल फायर एक मैजिकल फायर है जिससे ये अपनी बाइक को एक मॉन्स्टर बाइक में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये हेल फायर को वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। घोस्ट आयर अपनी फायर चेन से सीनर पर अटैक कर सकता है। घोस्ट आयर ने अपनी हेल फायर से बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स को मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। नंबर सिक्स, ग्रेविटी मैनिपुलेशन। यस, घोस्ट आयर कैपेबल है ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने में। वो हवा में उड़ सकता है। नंबर सेवन, सीनिटिंग। घोस्ट आयर सीनर्स की आंखों में देखकर उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर एट, इमोर्टलिटी। घोस्ट आयर के पास है गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी। इस पर बड़े से बड़े अटैक का कोई असर नहीं होता। इसकी मॉन्स्टर बाइक और चेन को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता।